हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केना और आपका स्वागत है मेरी चैनल केना गज्जर व्लॉग्स में। तो आज मैं एक अन्य कहानी सुनाने जाने वाली हूँ जिसका नाम है कौवे और उल्लू का बैर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में पक्षियों के राजा गरुड़ रहते थे। एक दिन पक्षियों ने सभा बुलाई, अपने नेता के बारे में चर्चा करने लगे। एक तोता बोला, गरुड़ जी को अपना राजा बनाने का क्या लाभ है, वह तो सदा विष्णु भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, मुश्किल में हमारी मदद भी नहीं कर पाएंगे। उसकी बात से सभी पक्षी सहमत हो गए और उन्होंने नया राजा चुनने का विचार किया। सर्वसम्मति से उल्लू को राजा चुना गया। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। ज्यों ही उल्लू का राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, त्यों ही कहीं से एक कौवा आकर बोला, तुम सब क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हो, यह कैसा समारोह है? कौवे को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए, उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। पर कौवा सबसे चतुर था, ऐसा उन्हें पता था, इसलिए सभी कौवे के चारों इकट्ठा होकर मंत्रणा करने लगे। उल्लू का राज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, मूर्ख पक्षियों, इतने सारे सुंदर पक्षियों के होते हुए दीवांध और टेढ़ी नाक वाले बदसूरत उल्लू को तुम सबने राजा बनाने का कैसे विचार किया? वह स्वभाव से ही रौद्र और कटुभाषी है। एक राजा के होते हुए दूसरे को राजा बनाना विनाश को निमंत्रण देना है। किसी दूसरे पक्षी को अपने नेता के रूप में चुना जाएगा, ऐसा निर्णय कर सभी पक्षी अपने घर चले गए। दिन का समय था, उल्लू अकेला रह गया क्योंकि दिन में उसे दिखता नहीं था। एक दूसरे उल्लू ने धीरे से उल्लू के कान में फुसफुसाकर कहा, महाराज, कौवे ने आपके राज्याभिषेक में खलल डाली है, सभी पक्षी घर चले गए हैं। चिढ़े हुए उल्लू ने कौवे से कहा, क्यों रे दुष्ट, तुम्हारे कारण मैं राजा न बन सका, आज से तुम्हारा और मेरा वंश परंपरागत बैर रहेगा। इस प्रकार कौवे और उल्लू में हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। उल्लू और सभी पक्षियों के जाने के पश्चात कौवे ने मन में विचारा कि व्यर्थ में उल्लू को अपना बैरी बना लिया। यही सोचता हुआ कौवा भी अपने घर चला गया। पर तभी से कौवे और उल्लुओं में स्वाभाविक बैर चला रहा है। तो दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि बोलने से पहले विचार अवश्य करना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा।